कहता हूँ कि अच्छी बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानियाँ हमारे वीरों ने, मुंबईकरों ने, भारतवासियों ने जो सैक्रिफाइसेस दी हैं, उसका एक चिन्ह है, उसका एक सिंबल है 26/11, एंड वी शैल नेवर फॉरगेट, दैट इज़ अ कमिटमेंट। आज जो हमने फंक्शन यहाँ किया, और मैंने जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की एम्बेसडरशिप आज एक्सेप्ट की है, वो इसी गोल को, इसी एम को मन में रखते हुए की है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे हम एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट का एक सेतु, एक ब्रिज मानते थे, इट जॉइंड द ईस्ट टू द वेस्ट। एक ज़माने में गेटवे ऑफ इंडिया वॉज अ गेटवे टू कल्चर, नॉलेज, एंड हज़ारों साल से एक ऐसा देश हिंदुस्तान जो हारमनी में, एकता में पूरे दुनिया को दर्शा रहा है, हाउ वी लिव यूनाइटेड टुगेदर। एकता का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है, पीस का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो मेरी यही इच्छा है कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया से हम इसे गेटवे ऑफ पीस माने, और जो पीस का मैसेज है वो यहाँ से जाए। अक्सर दुनिया में लोग समझते हैं कि पीस, अमन, चैन, शांति की जब बातें करते हैं लोग, तो वो लोग डरपोक हैं, डरते हैं, इसीलिए चैन और शांति की बात करते हैं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा आदमी है जिसने अमन से, चैन से पूरे देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस से और पीस को प्रमोट करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को नया तरीका दिखाया। मदर टेरेसा इसी भूमि से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में प्यार करना सिखाया। तो आई थिंक कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी करेज के साथ इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ मुंबई, ट्रू करेज। देखा जाए तो पूरे शहर और पूरे देश भर में आज श्रद्धांजलि के साथ हम और सभी जगह जो लोग देश के नाम शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी फोटोग्राफ नहीं दिखी श्रद्धांजलि के नाम पे, आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि फोटोग्राफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जैसे मेजर उन्नीकृष्णन के जो माँ बाप आज आए हैं, यहाँ आए, और जिस तरह से उन्होंने अपने हृदय से बात की, एक सच्चा भारत का सबूत, एक आर्मी ऑफिसर, एक मैन इन यूनिफॉर्म जिसने अपनी अल्टीमेट कुर्बानी, जिसे कहते हैं जान की कुर्बानी दी है, और आज उनके माँ बाप यहाँ पर आकर स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि हम संदीप को पूरे गर्व से ऐसे मौक़ों पर याद कर। और ये जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस लोगों को याद दिलाने के लिए, अपने दिल में, अपने हृदय में जो इज्जत है, उस इज्जत को प्रदर्शित करने के लिए ये फंक्शन रखे गए। और जब उन्होंने मंच पर आकर ये कहा कि ठीक है, 5 साल हो गए हैं संदीप को गुजर के, लेकिन हम उसे मौन नहीं करेंगे, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। लेकिन आपको लगता है विवेक, बड़े-बड़े बैकड्रॉप पे, खासकर उस पुलिस और सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे जो पिछले 5 साल में कोई भी ऐसी मेजर घटना? हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आम जिंदगी में और खासकर हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा पुलिस लास्ट आती है जब सारा